हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर टू है क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर नाइन डाटा हैंडलिंग का इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर थ्री तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे आई होप बच्चों आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक होगा तो आप वहाँ से पहले की वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑबटेन बाय फोर्टी स्टूडेंट्स अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स तो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ क्लास के अंदर और ये सारे बच्चों के मार्क्स हैं ठीक है किसी को टेन में से एट मिले हैं किसी को टेन में से वन मिले हैं किसी को टेन में से थ्री मिले हैं तो इस तरीके से ये सारे बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं हमें इन मार्क्स को अरेंज करना है टेली मार्क्स की मदद से ठीक है ना तो करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम तीन कॉलम्स बनाएंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मार्क्स ठीक है सेकंड कॉलम में लिखेंगे टेली मार्क्स, थर्ड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर अब यहाँ पे जो मार्क्स मिले हुए हैं वो वन से नाइन के बीच में मिले हुए हैं किसी को वन मिले हैं किसी को टू मिले हैं किसी को थ्री मिले हैं ठीक है, है ना तो हम यहाँ पे सारे मार्क्स लिख देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अब वन मार्क्स को देखते हैं कितने बच्चों को वन मार्क्स मिले हैं वन टू ओनली टू स्टूडेंट्स को वन मार्क्स मिले हैं ठीक है ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम क्या लिख देंगे टू वन मार्क्स सिर्फ टू स्टूडेंट्स को मिले हैं और टेली मार्क्स में टू को कैसे लिखेंगे ऐसे टू को हम टू लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर अब देखते हैं टू मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं वन टू थ्री ओनली थ्री स्टूडेंट्स को टू मार्क्स मिले हैं तो टू में हम लिख देंगे थ्री ठीक है ना थ्री स्टूडेंट्स को टू मार्क्स मिले हैं अब थ्री को टेली मार्क्स में कैसे लिखेंगे वन टू थ्री थ्री लाइन्स बना देंगे यहां पे ठीक है अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को थ्री मार्क्स मिले हैं वन टू थ्री थ्री स्टूडेंट्स को थ्री मार्क्स मिले हैं तो हम यहां पे लिख देंगे थ्री और थ्री को टेली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है थ्री लाइन से ठीक है ना अब देखते हैं कितने बच्चों को फोर मार्क्स मिले हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टूडेंट्स को फोर मार्क्स मिले हैं तो यहां पे हम लिख देंगे सेवन अब सेवन को टेलीमार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है तो देखो सेवन को हम ब्रेक करेंगे फाइव और टू में फाइव प्लस टू सेवन होता है ठीक है ना अब फाइव का टेलीमार्क्स कैसे बनेगा जिस तरीके से थ्री का थ्री लाइन से रिप्रेजेंट होगा फोर का फोर लाइन से रिप्रेजेंट होगा लेकिन फाइव का फाइव लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होगा ये आपको ध्यान रखना है अगर थ्री है तो थ्री लाइन्स बना दो फोर है तो फोर लाइन्स बना दो लेकिन फाइव में आपको फाइव लाइन्स नहीं बनानी तो फाइव का टेली मार्क्स कैसे बनाओगे सबसे पहले तो फोर लाइन्स खींचोगे ठीक है ये आपका हो गया फोर फाइव को बनाने के लिए आप क्या करोगे इसको कट कर दोगे ठीक है तो अब ये हो जाएगा आपका फाइव तो आपको ध्यान क्या रखना है फाइव कैसे बनता है फोर लाइंस खींचनी है आपको और उसको कट कर देना है ठीक है ये आपका हो गया फाइव फाइव का बन गया अब आप बनाओगे टू का तो टू के लिए हम सिंपल टू लाइंस बनाएंगे ठीक है ना तो ये हो गया फाइव प्लस टू कितना हो गया टोटल सेवन ठीक है अब देखते हैं फाइव मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्टूडेंट्स को फाइव मार्क्स मिले हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्स सिक्स को भी हम ब्रेक करेंगे फाइव फोर वन में फाइव तो आपको पता है कैसे बनाना है ठीक है ये हो गया आपका फाइव और वन के लिए आप क्या बनाओगे वन लाइन तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा आपका अब सिक्स मार्क्स देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टूडेंट्स को सिक्स मार्क्स मिले हैं तो हम यहां लिख देंगे सेवन ठीक है सेवन को कैसे बनाएंगे अगेन सेवन को तोड़ेंगे फाइव और टू में जैसे कि ऊपर बनाया आपने ये हो गया आपका फाइव और ये हो गया आपका टू ठीक है ना फाइव और टू इसका सम करोगे आपका हो जाएगा सेवन ठीक है अब देखते हैं सेवन मार्क्स वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्टूडेंट्स को सेवन मार्क्स मिल रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे फाइव ठीक है और फाइव कैसे बनाना है आपको वन टू थ्री फोर ये तो हो गया आपका फोर अब इसे आप कट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव ठीक है अब एट मार्क्स का देखते हैं वन टू थ्री फोर फोर स्टूडेंट्स को एट मार्क्स मिल रहे हैं तो इसको कैसे बनाएंगे फोर लाइंस बना देंगे ठीक है अब नाइन मार्क्स का देखते हैं वन टू थ्री थ्री स्टूडेंट्स को नाइन मार्क्स मिल रहे हैं तो हम यहां पे थ्री लिख देंगे और थ्री को हम टेली मार्क्स में थ्री लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको प्रॉपर फॉर्म में टेलीमार्क्स का यूज़ करके इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है ठीक है यहाँ पे टोटल फोर्टी स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया है या गलत तो ये आप इन सब का सम करो इन सबका सम करने पे ये फोर्टी आना चाहिए तो हम करके देख लेते हैं टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फाइव थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस फोर थर्टी सेवन थर्टी सेवन प्लस थ्री फोर्टी ठीक है तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है अब हम इन क्वेश्चन का जवाब देंगे फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन सेवन आपको यहाँ पे क्या बताना है कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स सेवन या सेवन से ज़्यादा आए हैं ठीक है सेवन या सेवन से ज़्यादा ठीक है तो आप इन तीनों को ऐड कर लो फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व तो टोटल ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं जिनके सेवन या सेवन से ज़्यादा मार्क्स आए हैं ठीक है बी पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेन मार्क्स बिलो फोर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फोर से कम आए हैं ठीक है ना फोर से कम यानी कि वन टू थ्री जिनके मार्क्स वन टू या थ्री आए हैं उनका बताना है हमें तो इनको ऐड कर लो टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस थ्री एट यानि कि एट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स फोर से कम आए हैं ठीक है ना तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन होना था अब करते हैं अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर टू करते हैं फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स तो क्लास सिक्स के थर्टी स्टूडेंट्स ने अपनी स्वीट्स की चॉइस बताई है कि उन्हें स्वीट्स में क्या पसंद है तो ये है डाटा किसी को लड्डू पसंद है किसी को बर्फ़ी पसंद है किसी को जलेबी पसंद है तो ये हमें डाटा दे रखा है सबसे पहले पार्ट में हमें क्या करना है हमें टेली मार्क्स की मदद से इन स्वीट्स को अरेंज करना है ठीक है ना तो करते हैं इसका टेली मार्क्स बनाते हैं तो सबसे पहले तो आप थ्री कॉलम्स बनाओगे ठीक है फर्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे नेम ऑफ स्वीट ठीक है सेकेंड कॉलम में लिखोगे टेली मार्क्स थर्ड कॉलम में लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है नेम ऑफ स्वीट वाले कॉलम में आप यहाँ पे सारे स्वीट्स के नाम लिखोगे वन बाय वन सबसे पहले लिखोगे लड्डू उसके बाद लिखेंगे बर्फी उसके बाद लिखेंगे जलेबी उसके बाद लिखेंगे रसगुल्ला ठीक और कोई तो स्वीट है नहीं तो आप करते हैं देखो लड्डू कितने बच्चों को पसंद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है तो इसको इलेवन को कैसे करेंगे फाइव फाइव और वन ठीक है इसमें ब्रेक करेंगे फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस वन इलेवन तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो हम 11 लिख देंगे और टेली मार्क्स सबसे पहले 5 का बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फिर इस 5 का बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया आपका 10 और फिर इस 1 का बनाएंगे 1 ठीक है तो 5 प्लस फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा 11 अब बर्फ़ी देखते हैं वन टू थ्री थ्री स्टूडेंट्स को बर्फी पसंद है तो बर्फी में यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स लिखेंगे और इसका टेली मार्क्स बना देंगे वन टू थ्री ठीक है जलेबी देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है इसको फाइव और टू में ब्रेक करेंगे ठीक है सबसे पहले फाइव का टेली मार्क्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव और फिर टू का बनाएंगे वन टू फाइव प्लस टू सेवन ठीक है अब रसगुल्ला का देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको रसगुल्ला पसंद है नाइन को हम फाइव और फोर में ब्रेक कर देते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइन सबसे पहले फाइव का टेली मार्क बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव का हो गया अब फोर का बनाएंगे वन टू थ्री फोर तो फाइव प्लस फोर नाइन ठीक है टोटल थर्टी स्टूडेंट्स हैं आपके पास तो चेक करते हैं ये थर्टी स्टूडेंट्स हैं कि नहीं तो एलेवन प्लस थ्री फोटीन फोर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस नाइन थर्टी तो टोटल थर्टी स्टूडेंट्स है ये इसका मतलब हमारा ये टेली मार्क्स बिल्कुल सही है ठीक है ए पार्ट हो गया हमारा अब बी पार्ट करते हैं विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को कौन सा स्वीट पसंद है तो आप देख सकते हो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है ठीक है ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लड्डू ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था अब करते हैं अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं कैथरीन थ्री टाइम्स एंड नोटेड बिलो कैथरीन फोर्टी टाइम्स एक डाइस को फेंकती है और उसको अलग अलग नंबर्स मिलते हैं एक बार वन मिलता है एक बार थ्री मिलता है एक बार फाइव मिलता है डाइस में वन से लेकर सिक्स तक नंबर्स होते हैं तो इस तरीके से जब कैथरीन फोर्टी टाइम्स एक डाइस को फेंकती है तो ये आपके अलग अलग नंबर्स आते हैं हमें क्या करना है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग मार्क्स तो टेली मार्क्स की मदद से हमें इस डाटा को टेबल में डालना है ठीक है ना तो करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले टेली मार्क्स बनाते हैं आप थ्री कॉलम्स बनाओगे फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे नंबर्स ठीक है सेकेंड कॉलम में टेली मार्क्स थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है तो डाइस में वन से लेकर सिक्स तक नंबर्स होते हैं तो हम लिख देते हैं यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अब सबसे पहले देखते हैं वन कितनी बार आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स वन आया है ठीक है ना तो कितनी बार आया है सेवन टाइम्स और टेली मार्क्स बनाएंगे सेवन का सेवन को तोड़ेंगे फाइव और टू में सबसे पहले फाइव का बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव और फिर टू का बनाएंगे वन टू तो फाइव प्लस टू सेवन ठीक है अब देखते हैं टू को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू जो है सिक्स टाइम्स आया है ठीक है ना तो सिक्स को ब्रेक करेंगे फाइव और वन में सबसे पहले फाइव बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब वन बनाएंगे वन तो फाइव प्लस वन सिक्स अब थ्री को देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स आया है थ्री तो यहाँ पे लिखेंगे फाइव और फाइव बना देंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब फोर को देखते हैं वन टू थ्री फोर फोर जो है फोर टाइम्स आया है तो यहां पे हम लिख देंगे फोर और फोर बना देंगे वन टू थ्री फोर ठीक है अब फाइव को देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव िक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन तो इलेवन बार आ रहा है फाइव ठीक है ना तो इलेवन को तोड़ेंगे फाइव फाइव और वन में ठीक है ना फाइव प्लस फाइव टेन टेन प्लस वन इलेवन तो फाइफ आ रहा है इलेवन टाइम्स और इसको सबसे पहले हम बनाएंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फिर ये वाला फाइव बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव फिर ये वन बनाएंगे ठीक है तो फाइव प्लस फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा इलेवन ठीक है अब सिक्स देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स आ रहा है सिक्स ठीक है ना तो सेवन को तोड़ेंगे फाइव और टू में तो फाइव बनाएंगे सबसे पहले वन टू थ्री फोर ये हो जाएगा आपका फाइव अब बनाएंगे टू वन टू तो फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा ये सेवन अब कैथरीन ने फोर्टी टाइम्स डाइस को थ्रू करा था अब देखते हैं कि ये फोर्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा सेवन प्लस सिक्स थर्टीन थर्टीन प्लस फाइव एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस इलेवन थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस सेवन फोटी तो ये फोर्टी आ गया इसका मतलब हमारा जो ये टेली मार्क्स का टेबल है वो बिल्कुल ठीक है एंड में आपको चेक करना है कि जो आपका टोटल है वो क्वेश्चन से मैच करना चाहिए ठीक है ना अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं सबसे पहला पार्ट कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कम आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला यानी कि फोर फोर जो है फोर टाइम्स ही आया है लेकिन जो दूसरे नंबर्स हैं वो इससे ज़्यादा बार आए हैं तो सबसे कम जो है फोर आया है ठीक है बी पार्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला यानी कि फाइव फाइव जो है सबसे ज्यादा बार आया है वो इलेवन टाइम्स आया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइव ठीक है सबसे ज़्यादा फाइव आया है अब सी पार्ट है फाइंड दोज नंबर्स डेट अपियर एन इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है जो इक्वल बार आए हैं यानी कि आप देख सकते हो ये और ये वन बी सेवन टाइम्स आया है और सिक्स बी सेवन टाइम्स आया है इसका मतलब वन और सिक्स ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो इक्वल इक्वल टाइम्स आए हैं वन बी सेवन टाइम्स आया है और सिक्स बी सेवन टाइम्स आया है ठीक है ना तो हमें इसी का आंसर देना था कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो इक्वल टाइम्स आए हैं तो वन और सिक्स ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग कीप ग्रोइंग